अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती आपकी कायम रहे और आपकी हर जायज़ हाजात कबूल और मंजूर हों जो अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर समझते हैं। और अल्लाह ताला बेहतर बेहतरी करे आपके कामों में और भलाई हो उन कामों में जो आप करना चाहते हों और अल्लाह उनमें भला चाहता हो। आज की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स की हैं। इसमें शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, पैनल कट वाली यानी कलियों वाले फ्रॉक नुमा जो आजकल बहुत ही फैशन में आ रहे हैं, काफ्तान स्टाइल और मिक्स डिज़ाइनिंग है। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें काफ्तान की कटिंग का तरीका समझाएं, तो मैंने आपको पहले भी कई बार अपने चैनल पे काफ्तान की कटिंग दिखाई हुई है। आप विज़िट करें काफ्तान कटिंग स्टिचिंग तो आपको मिल जाएगी काफ्तान की कटिंग, और बहुत आसान तरीके से काफ्तान की कटिंग होती है। अगर आपके पास कोई दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है और आप इसे ज़ाया नहीं करना चाहते तो उस दुपट्टे की कटिंग तो बहुत ही आसान है। डबल फोल्ड करें और बिल्कुल सेंटर में ऊपर की साइड जो डबल फोल्ड होने के बाद नेक लाइन कटिंग करें, और नेक लाइन सिर्फ बनानी पड़ती है। और चारों तरफ दुपट्टे का अगर बॉर्डर है उसे ऐसे ही रहने दें, ना किनारी को ख़राब करें, चारों साइड की वही लेंथ रहने दें। अगर आपने दामन राउंड करना है फिर कटिंग करना ज़रूरी बन जाएगी, लेकिन स्क्वायर जो काफ्तान होता है उसके लिए वही बॉर्डर बना बनाया लग जाता है और वो लगता भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद जो शर्ट की हमारी फिटिंग होती है उसके ऊपर रखकर चौक की मदद से निशान लगाएं और उस पर वही निशान के ऊपर सिलाई लगा दें। साइडें खुली रहती हैं और वो जो निशान लगाया होता है सिलाई वाला उस पर सिलाई लग जाती है। इतनी ईजी ट्रिक से काफ्तान स्टिच होता है। अगर आपने इनर यानी कि शमीज़ बनानी है तो अलग से बना लें उसके साथ। इस तरह से आपका काफ्तान बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। आप डाउन काफ्तान भी बनते हैं और शॉर्ट काफ्तान, लॉन्ग, जैसा आप चाहें। जैसा कि ये वाला देखें, बिल्कुल इजी ट्रिक से बनाया गया। सिर्फ आर्म होल से फिटिंग तक एक सिलाई साइड में और एक दूसरी साइड में लगा दी गई, जिससे काफ्तान की बहुत ही प्यारी फिटिंग भी आ गई। इस तरह से आप लैस की मदद से भी बहुत ही प्यारे प्यारे से अपने ड्रेस तैयार कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत ही खूबसूरत टेजल वाली लेसेस आ गई हैं, जिनकी वजह से फ्रॉकों में, शर्ट्स में, बड़े फ्रॉक में बहुत ही खूबसूरती आ जाती है शटर लेस की वजह से। और जो शर्ट्स की खूबसूरती में इजाफा होता है वो तो एक अलग ही बात है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी गर्ल्स शर्ट की, बताया करें। अच्छा लगता है आप लोग जब हमें आगाही देते हैं हमारे काम के बारे में कि आपका काम ऐसा है, हमें मजीद काम ऐसा दिखाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि वैसा ही काम मैं आपके लिए लेकर आऊँ रोज़।